यहाँ पे पूरी हाजिरी होती है कि नहीं होती, पढ़ाई ढंग से होती है नहीं होती, तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को आपने चुना है। मैं हमेशा के लिए आपका बहुत आभारी हूँ और इन पंचायतों से, इस क्षेत्र से मुझे जो असीम प्रेम प्यार और ताकत मिली है उसका मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और विधानसभा क्षेत्र में मुझे बहुत ताकत दी है। जयपुर में, दिल्ली में, देश के किसी कोने में जाता हूँ तो टोंक का विधायक होने का मुझे गौरव प्राप्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चुनाव आने वाले एक महीने में चुनाव होंगे तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, पूरा देश देख रहा है जितनी बड़ी जीत यहाँ पहले हुई थी उससे ज्यादा जीत आपको निवेदन है। और खासकर नौजवान साथियों से, ये बहुत प्रॉब्लम में आएंगे भाजपा के साथी, कोई जाति की, बिरादरी की, कोई गोत्र की, कोई धर्म की सब बात करेंगे, लेकिन आपने पूरा काम देखा है हमारे 5 साल का, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, भविष्य में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, जो प्रेम है मतदाताओं का, ये बरकरार रहे, मैं आपका हमें आभारी रहूंगा। सरपंच साहब, बाकी राय साहब भी यहाँ बने और हमारे राधा श्याम जी चौधरी साहब, आपने आज बहुत अच्छा भाषण दिया चौधरी साहब ने, राधाराम जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, किसानों की बात बोली है उस पर अमल करेंगे। लेकिन आप सबका जो सामूहिक प्रेम है लेकिन सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के काम पंचायत में आपके सामने है और भी आपके और काम मांगोगे उस काम को कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। के साथ साथ जो बाकी गांव पंचायत है सभी जगह काम हुए हैं और कुछ कुछ और मांग साथ में रखी है। विकास के कामों में सबसे बड़ी बात तो होती है कि विकास का पैसा हर पंचायत हर गांव गाड़ी तक पहुंचना चाहिए। ये संभव नहीं है कि सारे काम एक साथ सबके हो जाएं, लेकिन मेरी प्राथमिकता रही है कि स्कूल शिक्षा, बच्चों का भविष्य और आने जाने की व्यवस्था, जो सड़कों की है, चिकित्सा की है, निर्माण की है, उस पर हम ध्यान ज्यादा केंद्रित करें। और मैंने जो मेरे विधायक कोष का पैसा था उससे बहुत सारा पैसा गांव में भी दिया है और बाकी जो योजनाओं का पैसा था उसमें भी लोगों के घरों के जाने के रास्ते हो, बिजली लगाने का, तार बिछाने के हो, चार दीवारी हो, सड़क का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, छोटे मोटे विकास के काम भी हुए और जो बड़े काम आप चाहते थे उन कामों को हम लोगों ने किया। आज चुनाव का समय है और हमारा जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का, वो 4 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहा, अब उनको चुनाव का समय आ गया तो बड़े बड़े ट्रकों पर बैठ के अब वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने निकाली थी जन आक्रोश यात्रा, उस यात्रा में सिर्फ आक्रोश था, जन तो था नहीं, जनता तो जुड़ी नहीं, और आज भी आपस में इतने खींचतान उन लोगों के बीच में है कि पता नहीं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन नेता बनेगा, कौन आगे जाके पद लेगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि देश में 9 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में है और इस सरकार को बहुमत जनता ने दिया था, पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार बनी। सरकार बनने के बाद क्या किया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कितनी महंगाई थी, आज कितनी महंगाई है। आज गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है, अब चुनाव आए तो केवल कमी कर देंगे, फल फूल सब्जी तेल पानी पेट्रोल डीजल घी चाय पत्ती नींबू कुछ भी लेने जाओ बाजार में सब कुछ महंगा हो गया। आमदनी उतनी है लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतनी बेरोजगारी देश में जितनी आज है। सरकार ने कानून बनाए, 3 कानून बनाए, काले कानून किसानों के खिलाफ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमने कानून बनाया नरेगा का कानून बनाया, हमने कानून बनाया शिक्षा का अधिकार का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, ऐसे कानून बनाए ताकि हमारा गरीब व्यक्ति, नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, इन लोगों को ताकत दे। और कल मोदी सरकार ने एक और कानून बनाने की पेशकश करी है, महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं जो आज से 7 साल के बाद लागू होगा। अरे आपको अगर 6-7 साल बाद लागू करना था तो आपने कल पारित क्यों किया? इस महिला आरक्षण विधेयक को हम लोग लेके आए 1 सालों पहले, हमारी सरकार लेके आई थी, लेकिन वोट की राजनीति है, दिखाने को कुछ है नहीं, बेरोजगारी है, आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। और इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो लोग कहा था कि नहीं कहा था लोगों ने, ना तो काला धन वापिस आया न
ना 15 लाख खाते में जमा हुए, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, 3 किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, जीएसटी लगा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और 9 साल तक प्रचार करा। आज देश में जो खाई हो गई है, अमीर गरीब में इतनी दूरी हो गई, जो अमीर थे उनके पास बेशुमार दौलत, उनके पास अपने पैसे गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब है वो इतना गरीब हो गया उसको 2 समय की रोटी नहीं मिलती। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस दल को पहचानो जो किसान नौजवान गरीब के हित में काम करता है, और वो दल जो सिर्फ धर्म हिंदू मुसलमान की मस्जिद मंदिर की बात करके वोट लेना चाहते हैं। आप लोगों ने समझदारी से पहले वोट डाला था, और 36 कौम के लोगों को मैंने अपने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक बात तो करी है कि किसी व्यक्ति को लगना नहीं चाहिए कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, पुलिस का हो, प्रशासन का हो, हम में से किसी का हो, सबको एक नजर से देखना है। किसी ने हमको वोट अगर नहीं भी लिया वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो नागरिक इस क्षेत्र का नागरिक है, मतदाता है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के पिछले 5 सालों में लोगों को संभालने का काम किया, और मुझे फख्र है कि मैंने इस पंचायत के अंदर जो आपने मांगा उससे ज्यादा काम कराकर आपके बीच में किया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब चुनाव का समय शुरू हो गया, बहुत से नेता आएंगे, भला बुरा बोलेंगे, उकसाएंगे, तमाम तरह की बातें। आप तुमसे पूछना कि तुम 5 साल तक थे कहां? अब आपको आज याद आई है केंद्र सरकार में 25 लोकसभा के सांसद है भाजपा के, कौन सी बड़ी परियोजना राजस्थान में लेकर आए, कौन सी लैंड बिछवा दी, कौन सा कारखाना खुलवा दिया, कौन सी नौकरी दे दी? कुछ नहीं, बस वोट बटोरने की राजनीति करनी है। इसलिए सावधानी से हमें आगे वाले समय चलना है। और मैं तो बोलता हूँ, मेरा जो विरोधी भी है उसका मैंने हमेशा मान सम्मान किया है। अगर किसी और दल का है अपने दल की विचारधारा होगी, लेकिन विकास के काम में सबको साथ लेकर चले हैं, और यही धारणा और यही विचार नौजवानों को आगे आने वाले समय भी आगे लेकर चलना चाहिए। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रधान जी बता रहे थे उन सब कामों को हम लोगों ने किया है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी आई है या काम ढंग से नहीं हो पाए, उसके बारे में आप जागरूक लोग हो, कृपया करके हमको सूचित करें, पैसे का सदुपयोग हो, और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बच्चों की पढ़ाई की रहती है। हर हर स्कूल में, हर कक्षा में मैंने निर्माण करवाने की कोशिश की है, अच्छे अध्यापक वहां पर लगे, अलग अलग विषय की पढ़ाई वहां पर हो, और हमारे बच्चे बच्चे ये पढ़ लिख कर अगर मजबूत होंगे, ऊंचे पदों पर बैठेंगे, तो अपने आप नवर का विकास होगा, टोंक का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसलिए आपसे आग्रह कि अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद बना के रखें। आपने जो बाकी काम मुझे बताए हैं उन सबको हम करवाएंगे। विकास में ना पहले कोई कमी आई है ना आगे आएगी, लेकिन आपका हमेशा मुझे समर्थन मिला, वो भविष्य मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हमारे प्रधान हंसराज जी, अली जी हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन है, बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, मेरे पत्रकार साथियों, प्लीज थोड़ा बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, ये कौन से पत्रकार थे जो आपको कहते कभी क्लियर नहीं हुआ? कौन वो पत्रकार बोल रहे थे कि असमंजस है किसी को? है ये पत्रकार बड़े तेज होते हैं, इनके बात पर विश्वास मत करना। और हमारी पार्टी में कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी करती है, और वो जल्दी घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपसे इतना कहने आया हूँ, आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आया था, आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ से जीत कांग्रेस पार्टी की कराई थी। इस बार दोबारा चुनाव 2 महीने के बाद होंगे, तो पहले से ज्यादा बड़ी जीत आपको यहाँ से करानी विधानसभा क्षेत्र से। ये निवेदन करने के लिए आपने अब तो कोई डाउट नहीं हमें। साथियों, आपके गांव में आपने बहुत उत्साह से हम सबका स्वागत किया, उसके लिए मैं